गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स कैसे हो आप सब? आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे जल संरक्षण, मींस लेसन नंबर 18, जल संरक्षण. जल संरक्षण का मतलब क्या है बच्चों? किस तरह से हमको अपने जल की सुरक्षा करनी चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए. और जल का सेफ्टी बहुत जरूरी है. जल का सेफ्टी कब करेंगे? जब हम जल को बचाएंगे. ठीक है, तो जब हम जल को वेस्ट नहीं करेंगे तो वो हमारा क्या होगा? जल संरक्षण होगा. क्या होगा? जल संरक्षण, जो आपकी इस हिंदी के बुक से लास्ट लेसन है आपका स्टूडेंट. ठीक है, तो जल संरक्षण, इसमें एक पोयम दिया गया बच्चों. यह एक पोयम है. क्या है? यह एक कविता है जल के ऊपर. लिखा है ना, जल ही जीवन है. तो जल के बारे में हम अभी पढ़ेंगे कि जल के बारे में हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए. ठीक है, चलो. जल ही जीवन है, जल है गुणों की खान. जल ही जीवन है, जल है गुणों की खान. जल है तो सब कुछ है, जल है धरती की शान. पर्यावरण को न बचाया गया तो वो दिन जल्दी ही आएगा जब धरती पर हर इंसान बस पानी पानी चिल्लाएगा. आने वाली कुश्तों का कुछ तो हम करें ख्याल. पानी के बगैर भविष्य भला कैसे होगा खुशहाल. बच्चे बूढ़े और जवान पानी बचाए बने महान. अब तो जाग जाओ इंसान, पानी में बसते हैं प्राण. स्टूडेंट यहाँ पे क्या आ रहा है कि किस तरह से पानी को बचाने की बात कही जा रही है इस पोयम के अंदर, कि जल ही जीवन है. जल है तो जीवन है, क्योंकि अगर हम पानी नहीं पीते कुछ देर या कुछ घंटों तक तो क्या होता है? हमारे गले में सूखा लगता है, हमको खांसी आती है, क्या हमारा गला सूखने लगता है, हम बेचैन हो जाते हैं. तो जल ही, इसीलिए कहा गया कि जल ही जीवन है. जीवन मतलब जब हम रहेंगे, जब जल रहेगा तो ही हम रहेंगे. मीन्स वाटर, पानी. जल है गुणों की खान. गुणों की खान मतलब जल जो है वो एक गुणों की खान है. मतलब जल के बिना ना हम पानी पी सकते हैं, ना हम खाना बना सकते हैं, ना नहा सकते हैं, ना कपड़े धो सकते हैं, ना ही खेती कर सकते हैं, है ना, ना ही बिल्डिंग से घर कुछ भी नहीं बन सकता बच्चों. तो पानी ही गुणों की खान है. पानी में बहुत सारे गुण होते हैं. ठीक है, जल है तो सब कुछ है. जल है तो सब कुछ है. आज अगर धरती पे हम जीवित हैं या फिर हम हैं तो वो जल की वजह से, क्योंकि जल मीन्स पानी. अगर पानी हमें नहीं मिलेगा धरती पे तो ना ये हम रहेंगे, ना हमारे बच्चे रहेंगे, ना हमारे पेरेंट्स रहेंगे, ना हमारे भाई बहन रहेंगे, ना एनिमल्स रहेंगे जानवर, ना पेड़ पौधे रहेंगे. क्योंकि पानी के बिना हम ना पौधों को बड़ा कर सकते हैं, ना एनिमल्स पानी पी सकते हैं, और ना हम पानी पी सकते हैं, और ना हम बिना पानी के रह सकते हैं. तो जल है धरती की शान. तो बच्चों धरती पे, जमीन पे सबसे ज़्यादा थर्ड पार्ट तो पानी का ही है. पानी नहीं है तो समुद्र नहीं है, नदियाँ नहीं है, झरने नहीं है, है ना. तो क्या कह रहा है? जल ही जीवन है, जल है गुणों की खान. जल है तो सब कुछ है, जल है धरती की शान. जल ही जीवन है, जल है गुणों की खान. जल है तो सब कुछ है, जल है धरती की शान. पर्यावरण को ना बचाया गया. पर्यावरण मतलब जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है ना, एटमॉस्फेयर जहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं, जिससे हमको हवा मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है, तो वो क्या होता है हमारा? पर्यावरण. पर्यावरण को ना बचाया गया तो वो दिन जल्दी आएगा. कौन से दिन की बात कर रही है? जल्दी आएगा जब धरती पर हर इंसान बस पानी पानी चिल्लाएगा. अगर हम पर्यावरण को नहीं बचाएंगे तो क्या होगा कि वो दिन जल्दी आएगा. कौन सी दिन जल्दी आएगा? जब धरती पे पानी नहीं रहेगा और हर एक इंसान, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा हो या बड़ा, कोई भी हो, तो क्या करेगा? पानी पानी चिल्लाएगा. क्यों चिल्लाएगा? क्योंकि पर्यावरण मतलब हमारे बच्चों पेड़ पौधों से, हम जितने पेड़ को कट कर रहे हैं तो उससे हमारा पर्यावरण बिगड़ रहा है, हमारा एटमॉस्फेयर खराब हो रहा है. तो अधिक पेड़ को हमको नहीं काटना चाहिए. जब पेड़ कट रहे हैं तो सूखा पड़ेगा, हवा कम चलेगा, नदियाँ नहीं होंगी, नहीं बहेगी, क्योंकि हवा की वजह से नदियाँ भी बहती हैं और हमारे तक पानी पहुँचती है और हवा पहुँचता है. तो बच्चों हमारे लिए पर्यावरण और नदी दोनों का होना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना हमारा जीना बेकार है. तो वो दिन जल्दी ही आएगा. पर्यावरण को ना बचाया गया तो वो दिन जल्दी ही
जब धरती पर हर इंसान बस पानी पानी चिल्लाएगा। आने वाली पुस्तों का पुस्तों हम करें ख्याल, पुस्तों मतलब जो आने वाला कल है हमारा, ठीक है, हमारे वहाँ बड़े होंगे, हमारी शादी होगी, बच्चे होंगे, फिर बूढ़े होंगे, तो उनके जो बच्चे होंगे, तो मतलब जो एक पुस्त होते हैं, जैसे आपके दादाजी हैं, फिर आपके पापा हैं, फिर आप हो ना, तो ये क्या हो रहा है, इसको हम पुस्त बोलते हैं। दादाजी के बाद हमारे पापा हैं, पापा के बाद और हम हैं, तो ये क्या है, हमारा पुस्त है जो धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। कुछ तो हम करें ख्याल, हमें ये ख्याल करना चाहिए कि पानी के बगैर भविष्य जो है हमारा फ्यूचर है वो क्या है, बेकार है। भला कैसे होगा खुशहाल जब पानी नहीं होगा, जिससे कभी भी क्या होता है, हमारे घर पे पानी नहीं आता है तो हम दुखी हो जाते हैं ना कि पानी नहीं तो हम काम कैसे करेंगे, बर्तन पड़ा धोने के लिए, पीने के लिए नहीं है, खाना पकाने के लिए नहीं है, तो क्या होता है, तो उससे हम खुशहाल नहीं हो पाएंगे। बच्चे बूढ़े और जवान पानी बचाए बने महान, तो इसलिए कहा गया है कि चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा हो या बड़ा या कोई भी हो, तो उसको क्या करना है, पानी को बचा के बचाना है और महान बनना है। जैसे क्या महान बनोगे, जैसे कुछ लोग होते हैं घर पे नहाते हैं, शॉवर चालू कर देते हैं, बेसिक नल चालू कर देते हैं, पानी गिरता रहता है, ब्रश करते रहते हैं, पानी वेस्ट होता रहता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें अधिक से अधिक पौधों को लगाना है। अगर आपके घर में पानी गिर रहा है या लीक हो रहा है तो उसको जल्द से जल्द बनवाएं। पानी का गिरना बच्चों अशुभ भी होता है, ठीक है, तो पानी को हमको वेस्ट नहीं करना चाहिए, जितना हमें ज़रूरत है उतना ही पानी का हम यूज कर बाकी पानी को हम बचा के रखें, ठीक है। वो बच्चे बूढ़े और जवान पानी बचाएं बने महान, अब तो जाग जाओ इंसान, पानी में है बसते प्राण, पानी में प्राण बसते हैं, क्यों कि पानी के अंदर मछलियाँ होती हैं, कुछ जीव जंतु होते हैं जो पानी में ही रहते हैं, है ना, तो उनको लिए भी पानी ज़रूरी है। अगर हम अधिक पेड़ पौधे काटेंगे तो क्या होगा, जो हमारा पर्यावरण है वो सूखा हो जाएगा, पानी की कभी कम हो जाएगा, पानी में छलने से क्या होता है, पानी की कमी आती है, जिससे कि हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स को देखना पड़ सकता है, क्योंकि बच्चों पानी के बिना ना हम कोई खाना पका सकते हैं, ना हम नहा सकते हैं। अगर आप दो दिन नहीं नहाओगे तो क्या होगा, आपके शरीर में कुछ भी होगी, आपको अलग से इन्फेक्शन होगा, तो क्या है, अगर पानी रहेगा तो ही हम नहाएंगे, हमारे कपड़े गंदे हैं, कपड़ों से गंदी स्मेल आ रही है, तो वो कब कब साफ होगा, जब पानी रहेगा, ठीक है। ये घर कैसे बनता है, पता है ईंट पत्थरों से बनता है, पर इसलिए भी पानी की जरूरत होती है, वरना ये घर गिर जाता है, पक्का नहीं बनता है। खेती के लिए जो हम अनाज खाते हैं, खाना खाते हैं, वो खेती होती है, एग्रीकल्चर होता है, जिसमें कि पानी की वजह से वो खेती बड़ी होती है, उसमें ग्रास बड़े होते हैं, खेती होती है, फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, होते हैं ना, ये सब सारी चीज़ें किससे हैं, जल से ही है, मीन्स कि पानी से ही है। जब तक हम जल को संरक्षण नहीं करेंगे तो हमारा जीवन नहीं होगा, इसलिए कहा गया है कि जल ही जीवन है। तो बच्चों आओ इस पोयम को हम अपने कविता से अपने टेक्स्टबुक से भी पढ़ते हैं, ओके। कि बच्चों जल संरक्षण जल ही जीवन है, जल ही जीवन क्यों कहा गया है, आज हम इस कविता में टेक्स्टबुक के जरिए रीड करते हैं। जल ही जीवन है, जल है गुड़ों की खान, जल ही जीवन है, जल है गुड़ों की खान, जल है तो सब कुछ है, जल है धरती की शान। जल ही जीवन है, जल है गुड़ों की खान, जल है तो सब कुछ है, जल है धरती की शान। पर्यावरण को ना बचाया गया तो वो दिन जल्दी ही आएगा, पर्यावरण को ना बचाया गया तो वो दिन जल्दी आएगा, जब धरती पर हर इंसान बस पानी पानी चिल्लाएगा। आने वाली पुस्तों का कुछ तो करे हम ख्याल, आने वाली पुस्तों का कुछ तो हम करे ख्याल, पानी के बगैर भविष्य भला कैसे होगा खुशहाल। बच्चे बूढ़े और जवान पानी बचाए बने महान, अब तो जाग जाओ इंसान, पानी में है बसते प्राण। तो बच्चों यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस तरह से जल ही जीवन है, जल ही जल जो है वो गुड़ों की खान है, जल से बहुत कुछ होता है बच्चों, हम खेती कर सकते हैं, हम बड़े बड़े घर बना मकान बना सकते हैं, पानी पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं, खाना पकाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए, घर को साफ रखने के लिए, बहुत ही चीज़ों के लिए गुड़ जो है गुड़ों खान होता है, क्योंकि गुड़ों की खान होता है, क्योंकि जल से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, इसलिए इसको गुड़ों की खान कहा गया है। जल है तो धरती की शान है, अगर धरती पे मीन्स ज़मीन पे अगर पानी नहीं रहेगा तो धरती क्या होगा, हमारा सूखा हो जाएगा, उस पर हम खेती नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए धरती की शान बताया गया है बच्चों, क्योंकि जल से ही हम सिंचाई करते हैं और खेती करते हैं।
पर्यावरण को न बचाया गया तो वो दिन जल्दी आएगा, बस धरती पर हर इंसान बस पानी पानी चिल्लाएगा। तो बच्चों, पानी को बचाने के लिए पर्यावरण को भी बचाना बहुत ज़रूरी है। जितने हो सके उतने अधिक से अधिक हम पेड़ पौधे लगाएंगे, तो इससे क्या होगा, जो हमारा पर्यावरण है वो सुरक्षित रहेगा और अच्छा रहेगा, जिससे कि हमारे जो आसपास की दिक्कतें हैं वो भी दूर होंगी। हमारा पर्यावरण से क्या होगा, हमें अच्छी एयर मिलेगा, हमें हवा मिलेगा, हमारा जो पर्यावरण है वो अच्छा रहेगा। कभी देखा होगा अपने गांव में जाके कितनी खेती होती है, वहां का पर्यावरण कितना अच्छा होता है, गांव में कितनी अच्छी मिट्टी की खुशबू आती है। वहां पे लोग कहते हैं ना, कितनी अच्छी मिट्टी की खुशबू, क्यों अच्छी, क्योंकि वहां का पर्यावरण खेती से पूरा भरा होता है। बच्चों, पूरा पेड़ पौधे होते हैं, बाग होते हैं, बगीचे होते हैं, वहाँ पर तरह तरह की सब्जियाँ, फल फूल वहाँ पे उगाए जाते हैं, जिससे कि गांव का जो एटमॉस्फेयर है, पर्यावरण बहुत ही अच्छा होता है और शांत होता है। अगर हम गांव में जाके रहें तो हमें हर एक चीज़ों को महसूस करने का और शुद्ध और ताज़ी हवा और खाने को मिलेगी। इसलिए कहा गया है कि हम जहाँ पे रह रहे हैं बच्चों, तो अगर हम वहाँ पे भी अपना पर्यावरण एकदम अच्छे से बना के रखें तो हमें धरती पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। पानी को वेस्ट करने से बचाएं तो हमारा पानी का जो हो रहा है कि जब धरती पर इंसान बस पानी पानी चिल्लाएगा, तो हमें ये नौबत नहीं आनी चाहिए कि हमारा जो फ्यूचर है वो कैसा होगा बिना पानी का। सोचो, अगर आपको पानी नहीं मिलेगा, आपके घर पर अगर 2 दिन तक पानी नहीं आती है, तो सोचो आपके घर का क्या हाल होगा, आप क्या खाओगे, कैसे रहोगे। तो ये सब सोच के बच्चों, हमें अपना जीवन जो है खुशहाल बनाना है, पानी के वेस्टेज को बचाना है, और इसके लिए हमको, हमारे पूरे परिवार को, हमारे समाज को, सबको मिलके इसका करना चाहिए, क्योंकि पानी के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए याद दिया ना कि बच्चे बूढ़े और जवान, पानी बचाएं बने महान, अब तो जाग जाओ इंसान पानी में है बसते प्राण। देखो ये एक स्टोरी में कैसे इस बच्चे ने पानी को बताया है। देखो पानी से क्या है, देखो पानी से क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे बीच में क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पे एक ग्रास है जो ग्रो हो रहा है, फिश देखो मछली है ना। तो यहाँ पे क्या है, तरह तरह के जीव जंतु, पेड़ पौधे जो कि पानी से ही उगते हैं, ग्रोथ होते हैं उनका। तो इससे क्या होता है कि हमारा जब ग्रोथ अच्छा होगा तो हमारा जो ज़मीन है, हमारा जो धरती है वो हरियाली रहेगी, और हमें अच्छी अच्छी चीज़ों को खाने को और रहने को मिल सकते हैं, जिससे कि हमारा जीवन अच्छा बना रहेगा। बच्चों, तो आओ इस पोएम को एक बार हम वापस से पढ़ते हैं। जल ही जीवन है, जल है घोड़ों की खान, जल है तो सब कुछ है, जल है धरती की शान। जल ही जीवन है, जल है घोड़ों की खान, जल है तो सब कुछ है, जल है धरती की शान। पर्यावरण को ना बचाया गया तो वो दिन जल्दी ही आएगा, जब धरती पर हर इंसान बस पानी पानी चिल्लाएगा। आने वाले पुश्तों का कुछ तो हम करें ख्याल, पानी के बगैर भविष्य भला कैसे होगा खुशहाल। बच्चे बूढ़े और जवान, पानी बचाए बने महान, अब तो जाग जाओ इंसान पानी में है, पानी में बसते हैं प्राण। तो बच्चों देखो, किस तरह से पानी को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए इस छोटे से पोयम में हमें एक संदेश दिया है कि किस तरह से हम अपनी धरती को, अपने पर्यावरण को बचा सकें। और जल ही जीवन है, इस लाइन को हम अपने अनुकूल करके अपने देश की, अपने समाज की रक्षा भी कर सकते हैं। बच्चों कि यहाँ पे एक पहेली दी गई है, देखिए पहेली में क्या करिए, पहेलियाँ। फर्स्ट, गर्मी में मैं तुमको भाता, मुझको पानी हर कोई चाहता, मुझसे प्यार बहुत करते हो पर बाप बनूँ तो डरते भी हो। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, पानी, पानी के बारे में बात हो रही है। क्या बात हो रही है पानी के बारे में, गर्मी में मैं तुमको भाता, गर्मी में हमें क्या चाहिए, चाहिए ना पानी, और ठंडा पानी पीते हैं ना गर्मी में, गर्मी लगती है। तो मुझको पीना हर कोई चाहता, मतलब किसको पीना चाहता है, सब लोग पानी को पीना चाहता है, क्योंकि बिना पानी के हम नहीं रह सकते हैं ना। मुझसे प्यार बहुत करते हो पर भाप बनूँ तो डरते भी हो, तो इसका आंसर क्या है, पानी। दूसरा देखो, प्रथम कटे तो डर हो जाओ, प्रथम कटे तो डर हो जाओ, अंत कटे तो बंद हो जाओ, केला मिले तो खाता जाऊँ, बताओ मेरा नाम। तो केला कौन खाता है, बंदर, यहाँ पे बंदर है, ठीक है। छोटी सी छोकरी लालबाई नाम है, पहने हरा घाघरा एक पैसा दाम है, ये कौन है बच्चों, मिर्ची। क्या दिया है, छोटी सी छोकरी लालबाई नाम है, पहने हरा घाघरा एक पैसा दाम है, तो बच्चों ये मिर्ची है।
ठीक है, ये आपको बुक पर ड्रॉ भी करनी है। एक वस्तु को मैंने देखा जिस पर लगे हैं दांत, एक वस्तु को मैंने देखा जिस पर लगे हैं दांत, बिना मुख के बोलकर करे रसीली बात। एक वस्तु को मैंने देखा जिस पर लगे हैं दांत, बिना मुख के बोलकर करे रसीली बात। तो ये क्या है बच्चों, दिख रहा है आपको, ये है हारमोनियम, जिसको हम बोलते हैं पेटी बाजा। हारमोनियम पे देखो बहुत सारे बटन होते हैं, जिसको कहा गया है दांत। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पे वापस एक बार देख लो पहली, गर्मी में मैं तुमको भाता, मुझको पाने हर कोई चाहता, मुझसे प्यार बहुत करते हो पर भाप बनूँ तो डरते भी हो। मतलब कि जब हम पानी को गर्म करते हैं तो हम उसको छूने में डरते हैं ना, तो वो बात कह रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, पानी। प्रथम कटे तो दर हो जाऊँ, अंत कटे तो बंद हो जाऊँ, केला मिले तो खाता जाऊँ, बताओ मेरा नाम तो बंदर। छोटी सी छोकरी लालबाई नाम है, पहने हैं हरा घाघरा एक पैसा दाम है। छोटी सी छोकरी लालबाई नाम है, पहने हैं हरा घाघरा एक पैसा दाम है, तो मिर्ची। नाउ फोर्थ, एक वस्तु को मैंने देखा जिस पर लगे हैं दांत, बिना मुख के बोलकर करे रसीली बात। एक वस्तु को मैंने देखा जिस पर लगे हैं दांत, बिना मुख के बोलकर करे रसीली बात। तो यहाँ पर देखो क्या है ये बच्चों, ये है हारमोनियम, जिसको हम बोलते हैं पेटी बाजा। क्या बोलते हैं, पेटी बाजा। तो अब इसको क्या करना है आपको, आपको बच्चों देखो यहाँ पे इसका आंसर भी दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, इसको आपके नोटबुक में लिखना है और ड्रॉ करना है, नल को, पानी को, फिर बंदर है, मंकी, चिली मीन्स मिर्ची, मिर्चा, और ये है नंबर फोर, हारमोनियम मीन्स पेटी बाजा। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने दोनों लिख दिया है, हारमोनियम भी और पेटी बाजा भी, जो कि आपको आपके नोटबुक के ड्रॉइंग में करना है। ओके बच्चों, इस पोएम को भी आपको घर पे रीड करना है। ठीक है, जल संरक्षण के बारे में, जल ही जीवन है, इसके बारे में आपको आपके घर के लोगों को, आपके आसपास के लोगों को, आपके फ्रेंड्स को, सबको बताना चाहिए कि जल ही जीवन है। तो हमें जल को बचाने के लिए, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए बच्चों, तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे बहुत ही अच्छे होते हैं, ईमानदार होते हैं, वो सच बोलते हैं। तो अगर आप अपने बड़ों को, अपने से खुद और अपने फ्रेंड्स को ये बताओगे कि हमें पानी को वेस्टेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि पानी से ही हमारा सब कुछ होता है, बिना पानी के हम नहीं रह सकते, बिना पानी पिए हम नहीं रह सकते, बिना पानी के हम खाना नहीं पका सकते, खाना नहीं खा सकते, हमें जब तीखे लगता है तो हम पानी पीते हैं, हमें जब प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं, हमें जब नहाना होता है तो हम पानी लेके यूज़ करते हैं, ब्रश करने के लिए यूज़ करते हैं, है ना, और कहीं जाते आते हैं तो हम पानी लेके जाते हैं सफ़र में, जिससे कि हमारे लिए अच्छा होता है। पानी ही बच्चे बूढ़े सबको ज़रूरी है बच्चों। हम खाना एक बार खास बिना खाए रह सकते हैं, पर हम बिना पानी के नहीं रह सकते बच्चों। इसलिए आपको इस पोयम को बार बार रीड करना है और अपने बड़ों को, फ्रेंड्स को, बच्चों को बताना है कि जल ही जीवन क्यों है, किस तरह से पानी को बचाने के लिए इस पोयम में बताया गया है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।